मिडिल ईस्ट ऐतिहासिक रूप से अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। इसराइल और हमास युद्ध की वजह से इस पूरे इलाके पर एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा मुसीबत अमेरिका के लिए खड़ी हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक मिडिल ईस्ट पर अमेरिका की जो पकड़ है वो पूरी तरह से ढीली पड़ जाएगी और ईरान अपनी चौधराहट कायम करने में कामयाब हो सकता है। और अगर ईरान मिडिल ईस्ट में बाहुबली बन जाता है तो सीधे सीधे रूस की बादशाहत इस इलाके पर कायम हो सकती है। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीरिया और इराक में अमेरिकी सेनाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब इसी कड़ी में इराक के अल असद एयरबेस पर अमेरिकी फौज पर एक बड़ा अटैक हुआ है और इस हमले में कम से कम 5 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि एयरबेस पर कम से कम 2 कत्यूशा रॉकेट फायर किए गए थे जो सीधे अमेरिकी सैन्य अड्डे पर जा गिरे और इनकी चपेट में अमेरिकी सैनिक आ गए। अमेरिकी अधिकारियों ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि इनमें से एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ है और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि जिन रॉकेट से इस एयरबेस पर हमला हुआ है उनका इस्तेमाल लेबनान का हिजबुल्ला कर रहा है और ये सोवियत संघ के जमाने के बनाए हुए रॉकेट्स हैं जिनका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था। आपको यहां यह भी बता दें कि पिछले हफ्ते अमेरिका ने इराक में कुछ चरमपंथियों पर एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिका का कहना है कि ये चरमपंथी अमेरिका और सहयोगी सेनाओं पर ड्रोन हमला करने की तैयारी में थे और हालिया हमले के पीछे ईरान का हाथ होने का शक बताया जा रहा है क्योंकि 31 जुलाई 2024 की रात ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की एक हमले में मौत हो गई थी और ईरान ने इस हमले का आरोप इसराइल पर लगाया था और कहा था कि इसराइल के इस काम में अमेरिका ने उसका पूरा साथ दिया है और यही वजह है कि इराक में अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर ईरान का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस बेस पर हमला हुआ हो। इससे पहले जनवरी 2024 में भी यहां पर एक हमला हुआ था जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए थे। आपको बता दें कि इराक में करीब 2500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और इराकी सुरक्षा बलों से ईरान समर्थित मिलिशिया की सांठगांठ है और इसलिए इराक चाहता है कि अमेरिका की अगुवाई वाली सहयोगी गठबंधन की सेनाएं सितंबर 2025 तक इराक से निकल जाएं, जिससे सितंबर 2025 में आधिकारिक रूप से इराक और अमेरिका के बीच ये गठबंधन खत्म हो जाए। हालांकि ऐसी कई रिपोर्ट्स भी हैं जिसमें कहा गया है कि नए सलाहकार पद पर कुछ अमेरिकी सैनिक इराक में ही बने रहेंगे, लेकिन इराक में 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिकी सेना पर हमले हो रहे हैं और इराक की सरकार ईरान समर्थित इन प्रतिरोधी समूहों पर काबू नहीं कर पा रही है क्योंकि ईरान लगातार इन गुटों को अमेरिका के खिलाफ भड़का रहा है। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच इस फसाद को कम करने के लिए सऊदी अरब मध्यस्थता कर सकता है क्योंकि एक इराकी सूत्र का कहना है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब से ईरान के जवाबी हमले को कम करने के लिए मदद मांगी है जो इस्माइल हानिया की हत्या के बाद होने वाला है।